सौ के SMS अस्पताल में परसादी लाल मीणा पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि परसादी लाल मीणा जयपुर के SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। नेत्र विभाग से जुड़े मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा SMS अस्पताल पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, परसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री हैं वो SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं। नेत्र रोग विभाग से जुड़े मामले को लेकर SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वे कुछ दिन पहले मरीज संक्रमित हुए थे, जिसकी वजह से आज परसादी लाल मीणा हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप News 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। नेत्र रोग विभाग का जायजा लेंगे चिकित्सा मंत्री और वहां पर जुड़ी सभी तैयारियों का जो है वो रुक करेंगे, जायजा लेंगे। SMS हॉस्पिटल में नेत्र रोग विभाग से जुड़े मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं और मरीजों से मुलाकात करेंगे और जायजा लेंगे। आपको बता दें कि मरीजों में संक्रमण को फैले एक हफ्ता हो गया, जिसके बाद में संक्रमणों का पता नहीं लग पाया है और फिलहाल जो है मंत्री परसादी लाल मीणा SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर वो मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। जिन मरीजों के आंखों में संक्रमण हुआ था उन्हीं से मिलने के लिए मंत्री अभी अस्पताल पहुंचे हैं और सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ जो मरीज हैं उनसे भी बातचीत करते आपको नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले मरीजों के आंखों में संक्रमण हुआ था, जिसकी अभी जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि किस वजह से ये संक्रमण हुआ था। इसी के चलते आज चिकित्सा मंत्री जो है SMS हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वहां पर तैयार वो व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। और खबर में ज्यादा जानकारी के लिए महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा इस समय SMS हॉस्पिटल के जो नेत्र रोग विभाग है इसमें पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो पेशेंट है जिनमें की ये शिकायत आई थी कि स्यूडोनोमस बैक्टीरिया जो है उनके आंखों में ऑपरेशन के बाद में जिसका संक्रमण पाया गया है, तो ऐसे मरीजों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, जो उनका उपचार चल रहा है उसके बारे में किस तरह से देखभाल जो है वो हो सके उसकी जो जानकारी है वो ये ले रहे हैं, साथ में कि ये संक्रमण आखिर किस वजह से हुआ है इसके बारे में भी यहाँ पर डॉक्टर से चर्चा करेंगे, चिकित्सकों से जानेंगे कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से ये संक्रमण यहाँ पर फैला। लेकिन जिस तरह से 74 जो कुल मरीज थे जिनका कि 3 दिनों के भीतर में ऑपरेशन हुआ, 26, 27, 28 यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार की OT में, और उनमें से कुल 18 जो पेशेंट थे उनमें ये संक्रमण पाया गया। एक पेशेंट बाहर मरीजों का इसी OT के अंदर है, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था और इनमें ये स्यूडोनोमस जो बैक्टीरिया है वो पाया गया, उसके बाद से ही
चिकित्सा विभाग में और एसएमएस हॉस्पिटल में इस बात को लेकर के अड़का मचा रहा कि आखिर ये किस वजह से बैक्टीरिया फैला है और उसका कारण क्या है। इस लिहाज से करीब 50 के आसपास जो है ऐसे उपकरण और संसाधन हैं, जो और चीजें हैं उनका सैंपल जो है माइक्रो बायोलॉजी लैब जो है उसमें भेजा गया है और वहां पर इसकी जो जांच है की गई है, उसमें से ज्यादातर जो जांच है वो सामने आ चुकी है और उसमें जो सैंपल हैं वो नेगेटिव मिले हैं, यानी कि उस बात की पुष्टि नहीं हुई कि इन पर कोई बैक्टीरिया लगा हुआ था। तो इस लिहाज से यहाँ पर अभी डॉक्टर्स के लिए चुनौती क्या है कि ये आखिर किस वजह से बैक्टीरिया पाएगा, क्योंकि हवा के सैंपल जो एटमॉस्फेयर है वहां से भी जुटाए गए और साथ ही में बाकी जगहों से भी जो है इस मामले में राय ली गई, भले वो एम्स के जो सीनियर डॉक्टर्स हो या फिर वरिष्ठ जन जो भी हैं इस मामले में उनसे राय ली गई, मशवरा किया गया कि ऐसा आखिर क्या हो सकता है, लेकिन अभी भी जो है इस बात की पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई आखिर बैक्टीरिया फैलने का, पनपने का, संक्रमण होने का कारण क्या था जो है अभी सामने। लेकिन जो मरीज हैं उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हो, दोबारा जो है उनकी सर्जरी यहाँ की गई है और उनमें से जो अभी स्थिति है पेशेंट्स की वो यथावत बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो स्थिति है अब वो इम्प्रूविंग है, उनमें सुधार वो किया जा रहा है। नए पेशेंट जो है वो अभी सामने नहीं आए हैं। जहां तक ऑपरेशन थिएटर की बात है तो अभी तक जो ओटी है उसको वापस से शुरू नहीं किया गया है, 3 दिन के लिए फिर से जो है ओटी को टाल दिया गया है और फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य होने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जो पेशेंट्स यहाँ पर अभी एडमिटेड हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी तरह से उनमें ये बैक्टीरिया ज्यादा नहीं पनपे, इसलिए जो एंटीबायोटिक है उनमें मॉडिफिकेशन यहाँ पर जो है वो किया गया है। और जानकारी ये देना चाहूंगा कि यहाँ मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, साथ में जो उनके उपचार को लेकर के जो जानकारी है वो यहाँ ले रहे हैं। एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है कुछ देर पहले, एसीएस शुभ्रा सिंह ने भी इस दौरान यहाँ पर विजिट किया था और तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे मुलाकात की थी, उसके साथ में जो संस्थाएं हैं उनको भी परखा था और इसके बाद में अब यहाँ जब मंत्री आए हैं तो यहाँ पर एसीएस और जो एमएस हैं अचल शर्मा, डॉक्टर अचल शर्मा प्रिंसिपल जो है तो वो भी यहाँ पर इस समय में मौजूद हैं और उनके साथ में जो नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और बाकी जो और भी डॉक्टर्स हैं अतिरिक्त अधीक्षक हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंच करके जो तमाम पेशेंट्स हैं उनसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे उनकी तबीयत पूछी जा रही है कि आंखों में किसी तरह की जो तकलीफ है वो उन्हें किस तरह से है या नहीं, क्योंकि देखिए अभी जिन मरीजों के परिजनों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी भी जो है आंखों में बहुत सुधार जो है वो नहीं दिखा है, आंखों की रोशनी जो है वो अभी जिन आंखों का ऑपरेशन हुआ था उनमें अभी रोशनी है वो उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे होगा, जिस तरह से डॉक्टर्स ने दवाइयों में बदलाव किया है उससे उन्हें उम्मीद यहाँ पर जताई है। लेकिन इसके साथ में ही जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं उसमें इस बात का संदेह भी ज्यादा नहीं मिला हो और इसने आंखों को उनकी पुतलियों को कोई कमजोर नहीं कर दिया हो, डैमेज नहीं कर दिया हो, जिससे कि आगे चल करके उनकी आंखों की रोशनी कहीं ना छिन जाए, इस बात का जो एक संदेह है खतरा है वो उनके मन में जरूर यहाँ पर पनपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अब स्थिति जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में है और किसी तरह से जो है कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने या खतरे की जो बात है वो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं कह रहे हैं और लगातार इस बारे में जो देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं वहां से चर्चा करके वहां के विशेषज्ञों की राय लेकर के और जो इलाज है यहाँ पर किया जा रहा है जी। और साथ ही में जो जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल में जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद में जिस तरह की गंभीरता दिखाते हुए त्वरित जो है डॉक्टर्स ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन किया और कमेटी ने जो है अभी इसमें जो फाइंडिंग्स जो आई है जिसमें जो महत्वपूर्ण सैंपल जो यहाँ पर जुटे थे वो भले ही जो उपकरणों की बात की जाए या फिर एनवायरनमेंट के हवा की जो सैंपल है वो भी यहाँ पर जुटा करके और लेबोरेटरी में भेजे गए, उसके बाद में जो सैंपल्स की जांच होकर के जो भी सामने आया है उसमें ज्यादातर जो सैंपल है वो यहाँ पर
नेगेटिव मिले हैं। इस बात की वहां पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी तरह के उपकरण में स्यूडोनोमस जो बैक्टीरिया था वो वहां पर था, लेकिन आखिर ये जो बैक्टीरिया है वो कहां से पनपा, किस तरह से ये ओटी में पहुंचा, ये अभी भी जो सवाल है वो यहाँ पर जीवित है। और इस बात को लेकर के अभी भी जो है इसका जवाब तलाशने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मिल पाया है। लेकिन ओटी के दोबारा शुरू होने पर एक मन में जरूर संदेह रहता है इसकी, क्या दोबारा से यहाँ पर इस तरह की बात तो नहीं हो जाए। तो इसके पहले जो है खासी तैयारियां की गई है, फ्यूमिकेशन जो है वो कराया गया है ओटी में, और साथ ही में इस बात की पुष्टि की जा रही है कि किसी तरह से दोबारा से जो बैक्टीरिया है वो उस क्षेत्र में जहां पर की ऑपरेशन किए जाते हैं वहां पर नहीं हो, इस बात को ताकीद किया जा रहा है। और बार बार जो दिशा निर्देश हैं वो यहां पर दिए गए हैं। मंत्री परसादी लाल मीणा अपना जो निरीक्षण है वो यहां पर कर रहे हैं, और उसके साथ में कुछ देर में यहां पर ब्रीफ भी करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को यहां पर उनके द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल यहां नेत्रोग के जो वार्ड हैं उसमें मंत्री यहां पर फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा जो है उनकी यहां पर जारी है, और साथ ही में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो यहां पर उन्हें बता रहे हैं कि अभी तक के जो मरीजों की क्या अपडेट है, उन्हें किस तरह का इलाज यहां पर मुहैया कराया जा रहा है और उनकी स्थिति में किस तरह से सुधार हो पा रहा है। तो अभी इस बारे में जो है यहां पर चर्चा वो चल रही है, और मंत्री परसादी लाल मीणा के साथ में यहां पर एसीएस शुभ्रा सिंह है, वो भी समय में यहां पर उनके निरीक्षण के दौरान में मौजूद हैं। शिवप्रकाश नकाते हैं वो यहां पर इस समय में मौजूद हैं। जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उनके प्राचार्य राजीव भगरहट्टा हैं वो इस दौरान में यहां पर मौजूद हैं, और यहां लगभग जो है उन्होंने अपनी बातचीत जो है वो पेशेंट से कर ली है, और उनके जो अटेंडेंट हैं उनसे भी यहां पर जो चर्चा है वो यहां पर की जा रही है। जी महेश, शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री और वहां पर मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। संक्रमण के कारण का अभी तक पता नहीं चला है, और फिलहाल